Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject estimating and costing. Our unit is valuation and our topic is hypothetical building schemes and valuation of leasehold interest. So we are going to start our topic with hypothetical building schemes. So in this system, वैल्यू ऑफ अ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड इज एस्टिमेटेड बाई कैपिटलाइजिंग द अज्यूम्ड रेंट दैट कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द बिल्डिंग इफ एरेक्टेड ऑन द लैंड आफ्टर डेवलपिंग द सेम एंड देन डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट इस सिस्टम में अपन ने क्या बोला कि पहले आप क्या करेंगे जो आपका वेकेंट प्लॉट है उसका आप क्या करेंगे एस्टिमेट निकाल के उसका जो भी अमाउंट है उसको आप अज्यूम करके कैपिटल एक साथ मतलब एक आजमशन आपने फिक्स अमाउंट बना ली और उसके बाद आप क्या करेंगे उस बिल्डिंग को उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे और जैसे आप डेवलपमेंट कर देते हैं तो आप क्या करेंगे जो आपका कॉस्ट ऑफ़ डेवलपमेंट है या बिल्डिंग जो आपने बनाई है उसका आप अमाउंट जो भी है उसको आप जो आपका एरिया है उससे या फिर उसका जो कैपिटल कॉस्ट निकली है उससे डिडक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल बिल्डिंग का जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है वो निकल जाएगा लैंड का सो so, इसका प्रोसीज़र है अपने पास लिखा हुआ सो so, इस प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट क्या है फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ द लैंड फाइंड आउट परमिसिबल कवर्ड एरिया अगर आपको टोटल एरिया में से सिर्फ परमिसिबल एरिया निकालना है कि कितने एरिया पे आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं सो so, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है टोटल एरिया माइनस वन थर्ड एरिया ऑफ लैंड जो भी आपके लैंड है उसका वन थर्ड एरिया आप हटा दीजिए जिसमें आप रोड्स या आपको जो पैसेज देना पड़ेगा या आपको थोड़ा बहुत कोई और डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपने इतना एरिया छोड़ा है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या आपके नियर बाई जो भी डिपार्टमेंट है उसके थ्रू कंपलसरी दे रखा है कि इतना ओपन स्पेस आपको देना ही पड़ेगा अब इसमें देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या है फाइंड आउट रेंटेबल एरिया अब अगर आपको रेंटेबल एरिया निकालना है जो आपकी वेस्ट एरिया या एक्स्ट्रा एरिया है तो so वो क्या है टोटल कवर्ड एरिया माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ एरिया वॉल एंड वेस्ट जो भी आपका वेस्ट है मतलब खाली एरिया है या जिस जगह पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते वो एरिया आप रेंट के तौर पे या फिर कोई फर्दर कुछ भी बना करके वहाँ पे डेवलप करके उसको छोड़ सकते हैं या दे सकते हैं थर्ड पॉइंट है इसमें कैलकुलेट नेट नेट रेंट पर मंथ इसके लिए क्या है जो ग्रॉस रेंट है माइनस कर दो आपके आउट से जो भी एक्स्ट्रा खर्चे तो आपके पास नेट रेंट पर मंथ आ जाएगा और इसको वैसे बेसिकली क्या करते हैं जो आपका आउट गोइंग्स है उसको कैसे ले सकते हैं कि आपने ग्रॉस रेंट जो भी है उसका थर्टी परसेंट पार्ट कर दो तो वो आपका आउट गोइंग्स हो जाएगा और इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल नेट रेंथ पर फाइंड फोर्थ पॉइंट में है फाइंड आउट ईयर्स परचेज पर पेंचुअल या फिर चेंजिंग विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द करेंट बैंक डिपॉजिट रेट शुड बी मिनिमम टेन परसेंट आपको ईयर परचेज निकालना पड़ेगा हर साल का जो कितना होना चाहिए एटलीस्ट टेन परसेंट ऑफ योर ग्रॉस जो आपने टोटल आपका फिक्स कर रखा है जो भी आपकी कैपिटलाइज इनकम है उसका जो भी ग्रॉस है उसका टेन परसेंट तो आपका ईयर परचेज में आना ही आना चाहिए मिनिमम कॉस्ट है मैक्सिमम भी हो सकता है फिफ्थ पॉइंट में है कैपिटलाइज द नेट रेंट बाय मल्टीप्लाइंग द ईयर्स परचेज डिफर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पीरियड आपकी जो भी कैप जो आपने नैट रेंथ निकाल दिया है आपके इसके प्रीवियस पॉइंट पर और आवर पॉइंट पर आपने ईयर पर से निकाला है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए सो so, इस केस से क्या होगा कि आपका जो डेवलपमेंट टाइम जो आपका पीरियड जो आपका कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपका जो टाइम लगा है उसका आपके पास क्या आ जाएगा एक अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट आपको इस टाइम पे आप पा सकते थे सिक्स पॉइंट में क्या है कंसीडर द करेंट प्लिथ एरिया एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ़ द बिल्डिंग फ्रॉम द टोटल कवर्ड एरिया फॉर स्टोरेड बिल्डिंग द कवर्ड एरिया शैल बी वर्कड आउट एट ऑल द स्टोरीज आपका प्लेंथ एरिया जो है अभी आपके पास जो है और आपका टोटल कवर्ड एरिया जितना एरिया आपने यूज़ कर रखा है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो भी आपकी प्लिंथ एरिया की कॉस्ट है उसी को ही टोटल एरिया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की मान लीजिए जूम कर लीजिए और इसी तरह से सिमेट्रिकली अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो या एक के ऊपर एक भी बना रहे हो उसमें फ्लैट्स की भले शेप एंड साइज़ अलग अलग है लेकिन प्लेन एरिया लगभग लग लगभग सिमिलर है सो तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं सिमिलर प्लिंथ एरिया रेट लेकर के उनको उसे उसी हिसाब से निकाल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है वर्कआउट द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ़ लैंड इफ रिक्वायर्ड अगर आपकी लैंड पे भी कोई आपने वर्क किया है जैसे मैंने आपको बताया था डिगिंग करने के केस हुआ या फिर आपका फिल करने का एरिया फिल इन करना हो जो भी आपका है सो उसके लिए भी आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ लैंड ऊपर वाले दोनों के दोनों पॉइंट्स को आप एड ऑन करिए और इसमें से फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है डिडक्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द डिफर्ड रेंटल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ लैंड जो अपन ने फोर्थ पॉइंट पे या फिफ्थ सॉरी फिफ्थ पॉइंट पे जो आपने नेट रेंट निकाला है जो आपका फाइनल रेंट है उसमें से जो आपके इसके पहले वाले पॉइंट में आपने टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाला है उसको माइनस कर दीजिए आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड आ जाएगा ये इसके इसका टोटल प्रोसीजर है अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ लीज़ होल्ड इंटरेस्ट अब इस केस में अपने पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है पहली होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दूसरी होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है द फ्री होल्ड इज इनहेरेंट द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ही होल्ड्स इट विदाउट एनी पेमेंट इन नेचर ऑफ़ द रेंट ही में सेल द प्रॉपर्टी डिवाइड इट और डोनेट और ग्रांट एट ऑनली एट स्वीट विल मतलब कुल मिला के फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है जिस वो बेचे या फिर रेंट पे दे या फिर उसको डिवाइड करे डोनेट करे या फिर कुछ और इसको लीज पे दे दे ये उसकी अपनी मर्जी पर डिपेंडेंट होती है और इसमें ही द फ्री होल्ड और ओनर हु ग्रांड्स द लीज़ नोन एज लेसर एंड लीज़ होल्डर इज़ नोन एज लीसी जो प्रॉपर्टी देता है एज अ रेंट करने के लिए जो ओनर है अगर वो आपको प्रॉपर्टी देता है तो उसको क्या बोलेंगे आप लेसर और जो जिसने उससे प्रॉपर्टी ली है रेंट पे उसको आप क्या बोलेंगे लीसी सो so, ये दोनों टर्म्स हैं जिसने दी है उसके लिए और जिसने ली है है ना उसके लिए दोनों के लिए एक टर्म्स हैं तो लेसर एंड लीसी इन कॉमन प्रैक्टिस इट इज गिवन एज फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी कॉमन इन प्रैक्टिस वेन लीज इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 99 नाइन इट इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म लीज एंड वेन इट इज ग्रांटेड फॉर नाइन 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 ईयर्स इट इज सेट टू बी परपेंटिटी और फॉर एंडलेस ड्यूरेशन अब अगर आपने किसी को निन्यानवे साल की लीज पे दे दी हो तो उसको क्या बोलेंगे लॉन्ग टर्म लीज और अगर आपने थाउजेंड ईयर्स से एक ईयर का मतलब नाइन 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 ट्रिपल नाइन नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन ईयर्स के लिए दे दी है तो उसको अपन क्या बोलेंगे एंडलेस ड्यूरेशन आपने बहुत लंबे टर्म तक के लिए उसको प्रॉपर्टी लीज पे दे दी है ज़्यादातर गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देने का मौका देती है अब अ होल्ड प्रॉपर्टी सेकेंड पॉइंट है अपने पास लीस होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है लीस होल्ड प्रॉपर्टी बेसिकली जो भी जो लेस, लेसी के पास अगर प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलेंगे अपन लीस होल्डर है ना और इस केस में क्या रहता है कि उसके पास फिजिकल पोजीशन होता है डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं द लीज होल्डर इज़ नोन एज ले एंड होल्ड्स द फिजिकल पोजिशन अंडर द प्रॉपर्टी फॉर डेफिनेट पीरियड अंडर टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन लीज डॉक्यूमेंट आपने कभी भी देखा होगा कोई जगह पे आप अगर रेंट पे कोई फ्लैट या कोई घर लेते हैं तो उस केस में फर्स्ट आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है रेंट एग्रीमेंट में वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं वो रखेगा और आप उन पर डू एग्री करते हैं इसलिए आप साइन करके उसका एग्रीमेंट फाइनल करेंगे सो so, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे कि आपके पास उस प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन तो है मतलब आप ओन नहीं करते पर हाँ आपके अंडर में है कब तक जब तक कि आपका वो एग्रीमेंट आपको अलाउ करता है तब तक के लिए वो प्रॉपर्टी आपके अंडर कंट्रोल में है और हाँ इसमें भी अलग अलग टाइप के लीसेस होते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीसेस तो फैला लीज क्या है अपने पास बिल्डिंग लीज सेकेंड है ऑक्यूपेशन लीज थर्ड है सब लीज़ और लाइफ लीज और परफेक्ट परफेक्टूअल लीज सो so, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थैंक यू